दोस्तों आज हम आए हैं इटावा सदर विधानसभा में। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो आज मैं इन सभी लोगों से पूछूंगा और गांव में आगे भी चलूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है। तो दादाजी, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका जो ये गांव है, इसमें जैसे विधानसभा सदर इटावा है, इसमें आपको किसका माहौल लग रहा है? आजकल छोटी छोटी पार्टियाँ भी काफ़ी दमखम दिखा रही हैं, बड़ी पार्टियाँ हों जैसे सपा, भाजपा या बसपा, कांग्रेस, किसका माहौल यहाँ ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादातर सपा को ज़्यादा है और कुछ जो है मेहनतकारों को है और जो है कुछ जो है वैसे है लोग बसपा में मतलब इंडिया तेरा मतलब यहाँ जातिगत होगा। हाँ तेरा बहुत ही है और कुछ जो है बाकू है भाजपा को है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इटावा विधानसभा से कौन जीत सकता है? इसमें जात बंधन है, ठीक है ना। तो हमारे डावा में अगर कोई भी शक लोग खड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग हैं शक के ऊपर। जैसे मैं इटावा में मैंने दो तीन जगह एक भाजपा के ऐसे पोस्टर लगे देखे थे जिसमें पोस्टर में था कि रामलला पहले टेंट में थे, अब मंदिर में हो गया। क्या राम मंदिर का इसमें कोई मुद्दा रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जैसे इटावा विधानसभा सीट में राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भाजपा बड़ा मुद्दा ये बन के चल रही है कि मैंने राम मंदिर बनवाया। चला रहे हैं लेकिन ऐसा हमारे दिमाग से तो। अच्छा, आपका कहने का मतलब यहाँ कोई भी साख का उसको ही आप वोट देंगे जहाँ तक। तो अगले दादाजी से पूछते हैं, आपको यहाँ क्या माहौल है? सपा का माहौल है, सपा का। जैसे दादाजी सपा का बता रहे हैं, और जैसे मैंने अंकल जी से पूछा था कि राम मंदिर का कुछ यहाँ पे मुद्दा वगैरह है, चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, तो जैसे ये तीन लोग थे, मैंने इन लोगों से बात किया तो सभी लोगों ने अपना अलग अलग मत रखा है। तो दादाजी, यहाँ पे मैं आपके गांव में घुसा था तो गांव में ऊपर छतों पे जन अधिकार पार्टी के भी झंडे लगे हुए थे। जैसे दादाजी ने बताया था, अंकल जी ने बताया था कि बाबू सिंह कुशवाहा का भी यहाँ वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो बाबू सिंह कुशवाहा के झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं सभी के छतों पर। जैसे दादाजी का कहना है कि साक्य आया राजपूत जन अधिकार पार्टी से आता है, तो सभी पार्टियों को भूल जाएंगे, जन अधिकार पार्टी को अपने मत देंगे। जैसे आपने दादाजी कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी और आप कह रहे हैं कि आपका ही भूल जाएंगे, तो क्या असर रहेगा इस गाँव में जन अधिकार पार्टी? जन अधिकार पार्टी को वोट मिलेगा लेकिन इधर उधर कट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जैसे इटावा में जो भाजपा से आप लोगों को नाराज किया है, कोई सपा कह रहा है, तो किसी ने यहाँ पर तीन लोग हैं, किसी ने भाजपा का नाम ले लिया, क्या नाराज किया? नाराजगी की ये है कि जो है यहाँ हम लोगों ने मकान जो है झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, न तो उन्हें कानूनी किसी को दी, न तो कोई और वैसी सुविधा है, केवल वो 5 किलो गेहूँ चावल दे देते बस, और कुछ कुछ सोचा ही नहीं हम लोग। ये जो मेरे मकान देखो तो बढ़िया पड़ी हुई हैं। तो बीजेपी वाले या योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि मैं एक महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहा हूँ और 4,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मतलब इससे क्या कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है या इससे कुछ भी नहीं? इससे कुछ भी काम हो जाए, हम लोग बेरोजगारी छीन रही, अति रोजगारी होनी है, अब 2,000 रुपया तुमने 4 महीना मेरे पास कहा हुई है। जैसे दादाजी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, आपने भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया? भारतीय जनता पार्टी का जब तक पहले शुरू शुरू में इसका वर्चस्व बहुत अच्छा था हर तरीके से। तो क्या 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 आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से क्यों रुष्ट? यहाँ मैं आया था और काफ़ी छतों पे मैंने पंचशील ध्वज लगा भी देखा था, तो क्या यहाँ पे जो ये गांव है बहुत धर्म का अपना धर्म को तो आप सभी लोग मुझे ये भी बताइएगा कि बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने सम्मान दिया है, छोटी हो या बड़ी हो, आप किस पार्टी?
बसपा का हाथ है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये वो पार्टी हमारी भाजपा जी की आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा। यहाँ पे महंगाई का भी एक मुद्दा हुआ होगा आपके गाँव में, सभी जगह है, तो महंगाई के प्रति आप सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं मिल रही है और बहुत महंगाई, पेट्रोल 105 रुपया लीटर था, अब बोल के चक्कर में उन्होंने कभी गिरा दी है, अभी शायद 94 रुपये और महंगाई का मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। और जो बहुत धर्म हम लोग अपनाते हैं, तो इनने दंगा संकसा बहुत लंबा दंगा कराया था, उसमें हमारे लोगों को बहुत चोटें आ गई वहाँ पर, और गाड़ियों के सीसे पीछे तोड़वा दिए, और वहाँ का मुद्दा भी क्या नाम उसका छमड़ा मऊ का भी मुद्दा इन लोगों ने बहुत हमारे लोगों ने साथ में बहुत गलत काम किया। ये छमड़ा मऊ का जो बोधी जी की प्रतिमा हटाई गई थी और जो संख्या में जो काफ़ी विद्रोह हुआ था, तो इस मुद्दे को लेकर क्या इस गाँव के लोग नहीं थे प्रभावित? बहुत हुए समाज के लोग बहुत प्रभावित हुए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि प्रभावित हुए हैं पर इस मुद्दे को लेकर वोट नहीं देंगे ऐसा? हम लोग बहुत धर्म अपनाते हैं, एक साल में एक दो बार जाते हैं वहाँ पर, दंगा करवाते हैं ये लोग, उस समय पंडित लोग करवाते हैं भाजपा वाले दंगा, जब जब सरकार आई तो भाजपा ने दंगा करा। भाजपा तो ये बोलती है कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, ये गलत चीज़ है, कराते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगह शाक्य समुदाय में ये जो संकिसा और छमरा मऊ का जो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, अभी भी लगभग संकिसा के 2 महीने हो चुके हैं और उसमें 6 महीने हो चुके हैं, अभी भी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इस गांव में आगे भी चलते हैं, जैसे अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी से भी पूछता हूँ आपका जैसे यहाँ पे जो माहौल क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आपके यहाँ किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल का जो आएगा विकास करवाएगा उसके लिए माहौल है। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बसपा देखी होगी, सपा देखी होगी, आज आप बीजेपी देख रहे हैं। सपा को माहौल है यहाँ, सपा का माहौल है यहाँ, माहौल सपा का है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, तो आगे और भी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँगा।